नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा हरिशयन संस्कृत के महान कवि थे, इनके जीवन परिचय के बारे में आपको मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हरिशयन संस्कृत के महान कवि थे, महादंड नायक, ध्रुव भूति के पुत्र, संधि विग्रहिक, महादंड नायक हरिशयन। समुद्रगुप्त के समय में संधि विग्रहिक कुमार मात्य एवं महादंड नायक के पद पर कार्यरत थे। कहने का मतलब यह है कि समुद्रगुप्त के समय वो उनके दरबार में एक अहम पद पर मौजूद थे। हरिशयन की शैली के विषय में जानकारी जो है आपको प्रयाग स्तंभ लेख में मिलती है। जी हाँ दोस्तों, प्रयाग स्तंभ है, उसमें अंकित है हरिशयन द्वारा स्तंभ लेख में प्रयुक्त जो छंद कालिदास की शैली की याद दिलाते हैं। हरिशयन का पूरा लेख चंपू गद्य पद्य मिश्रित शैली का एक अनोखा उदाहरण है। तो ऐसे महान कवि संस्कृत के हरिशयन, इनके बारे में इतनी ही जानकारी अभी तक प्राप्त हो पाई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।